हेलो आ गए सर पर नाम ऑफलाइन कोड स्वागत करते हैं आपका एक और नए बस को सिमुलेटर के अपडेट वाली वीडियो में। और आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि 1.0 का नया अपडेट आ चुका है। और मुझे किसने बताया इस अपडेट के बारे में, उस सब्सक्राइबर को यानी मेरे खास सब्सक्राइबर को मैं शाउट आउट भी देने वाला हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें बता दूँ, काफ़ी मजा आया मुझे इस वाले अपडेट को देखने में और काफ़ी कुछ नया भी, क्योंकि इसमें चैप्टर 3 भी आ चुका है। वैसे मैं चैप्टर 2 खेलने जा रहा था बट उससे पहले एक नया अपडेट आ गया। और ये देखो डिस्पेंसर से भाई एक बोतल निकली है। तो भाई जिन्होंने मेरे को बताया उनका नाम है मोजो गेमर। पहला और आखिरी शाउट आउट इस वीडियो का मोजो गेमर को जाता है। तो भाई बड़ा ही सही टाइम पर बताया है अपडेट के बारे में। और अभी देखो मैं यहाँ से भाई फ्रेश भी हो चुका हूँ, मैंने टॉयलेट यूज़ कर लिया है और मैं जाने वाला हूँ बाहर। और बाहर जाकर चेक करेंगे कि क्या क्या आया है नए वाले अपडेट में। तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि यार देखो अपडेट आ चुका है और मैंने ना अभी तक अपनी शॉप को अपडेट नहीं किया है, जो कि रूफ था ना वो हमने अपडेट नहीं किया है। तो मैं सोच रहा हूँ ये देखो नया अपडेट में किया आया है रूफ टॉप नया वाला, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वाले तो ओल्ड वाले ही रूफ टॉप थे, क्या पता भाई ये नया वाला अपडेट आया या नहीं। तो यहाँ पर देखो ये भी हम खरीद सकते हैं, ये भी 75 का है, 15 SP का ये ले लेंगे। पर ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला था या नहीं था मेरे को याद नहीं लास्ट वाले अपडेट में, तो मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है लास्ट अपडेट का। ये देखो 50 SP का है, ये भी 50 SP का है, ये भी 50 SP का है। तो मैं सोच रहा हूँ 15 SP वाला ये बस को ले लेता हूँ, बस को रूफ टॉप, ये ज़्यादा मस्त रहेगा। और आज अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम आ गए शॉप पर और ये देखो हमारा बक्सो वाला रूफ टॉप कैसा लग रहा है। लोगों तुम कमेंट मारकर बता सकते हो, जरूर से बताना ठीक है। और ये मैंने अपडेट किया था इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा मेरे लास्ट वाले एपिसोड में। अभी हम चेक करने वाले हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि हमें कहाँ से कुछ चीज़ें पता चलने वाली है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा उस जगह जहाँ पर हमारा हमारी जो घर है ना वहाँ पर है ना एक बड़ा सा बस्को टाउन का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर सभी अपडेट के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो अभी मैं सबसे पहले वहीं जाने वाला हूँ। तो ये टीवी बंद हो रखी है, इसे को चालू कर देते हैं। और अभी क्या है ना मेरे को एक और ये डिस्पेंसर भी चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये कब बोर्ड नहीं, हाँ ये देखते हैं यार डिस्पेंसर ये चलता है क्या, ठीक है तो इसमें से पानी निकलता है कोई बात नहीं। हाँ तो अभी मैं जा रहा हूँ ठीक है अपने घर के पास में, वहाँ पर एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर सभी अपडेट के बारे में जानकारी मिल जाती है। तुम्हें भी अगर चेक करना है तुम भी बस्को टाउन में जाकर चेक कर सकते हो, बड़ा ही मस्त है बस्को टाउन। तो चलो चलते हैं वहीं पर और जाकर चेक कर लेते हैं जल्दी से कि क्या है वहाँ पर। तो मैं आ चुका हूँ अपने बोर्ड पर और यहाँ पर देखो चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। हेल्दी सूप भी हो चुका है जो कि हमारे बस्को मैन को फास्ट करेगा बनाने में खाना। और साइड क्विज भी चालू हो चुका है जो कि इलेक्ट्रिकल स्टोर पर है। और प्राइस इज अप्लाइसेस फॉर योर टैबलेट, ठीक है कोई बात नहीं। और ये है द हॉन्ट हाउस हैज अ विजिटर, कोई बात नहीं एक नया विजिटर आ चुका है हॉन्ट हाउस। और मैं सोच रहा था कि हॉन्ट हाउस कब भाई अपडेट होगा, और फाइनली हॉन्ट हाउस का एक नया अपडेट आ चुका है। और यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है जो कि मेरे पांडे को जरूर जल्दी से जल्दी तेज करे। तो कोई बात नहीं, क्या पता मुझे वो चीज़ खरीदनी पड़े, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। अभी यहाँ पर देखो नई कुछ ड्रिंक आई नहीं है, वैसे मैं चेक करने वाला हूँ कि भाई नई ड्रिंक आई है या नहीं आई। तो सबसे पहले काम करते हैं, अभी देखो यहाँ पर कुछ है नहीं, मैं जा रहा हूँ सबसे पहले अपने सीक्रेट शॉप पर जहाँ पर हमें डॉल्स मिलती है। तो सबसे पहले वहीं जाना चाहिए क्योंकि क्या पता वहाँ पर नई चीज़ें आ गई हो, नई डॉल आ गई हो। और वैसे तो नई डॉल आई होगी तो हमें बताया गया होगा, बट फिर भी यार हमें एक बार पता करना चाहिए। देखो कितने सारे आ गए कैरेक्टर, मेरे को अभी चैप्टर 2 कंप्लीट करना और मैं काफ़ी पीछे चल रहा हूँ और जल्द ही चैप्टर 2 कंप्लीट कर दूंगा, तुम्हारे सामने वीडियो आएगी। और मैंने जल्द ही ये जो थीफ है ना इस वाले पुलिस वाली मैडम को भी खोलने वाला हूँ, 53 कर दिया ना मैंने इसी करके। तो अभी चलते हैं इलेक्ट्रिक शॉप पर और इलेक्ट्रिक शॉप पर देख लेते हैं। ये है मैडम जिससे हमने बात की थी लास्ट टाइम नीलिमा से, और यहाँ पर हमें एक नया क्विज़, हाँ ठीक है तो यहाँ पर एक नया क्विज़ है। और ये देखो नया क्विज़ आ चुका है, सबसे पहले नंबर पे यही है। और इसका नाम क्या लिखूँ, मंगला लिखूँ क्या इसका नाम, ठीक है तो मंगला है इसका नाम अब से। तो मंगला का एक नया आ चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ ठीक है शॉप की तरफ, वो आस पास में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या अपडेट देखने को मिला है क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। तो भाई मैं चेक करते करते आ गया हूँ मेयर ऑफिस में, हमारे बस्को कार्ड के आसपास में कुछ भी अपडेट नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मेयर ऑफिस चला जाए, क्या पता यहाँ पर एक नया अपडेट आ रखा हो। तो यहाँ पर ये ओल्ड पर्सन यहीं पर खड़ा हुआ है फर्टिलाइजर के लिए, और यहाँ पर ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है। तो चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर देखते हैं हमारे जो पार्क है ना, पार्क में क्या चीज़ें आ रखी है। वैसे तो पार्क में काफ़ी कुछ नया अपडेट आता रहता है। सो अभी सामने की तरफ मुझे एक और पेंटर दिख रहा है, और ये भी है भाई साहब पेंटिंग वाले, इनकी दाढ़ी मूंछें और ये जवान बंदे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये भी मुझे 150 की पेंटिंग भेज रहा है, पर यहाँ पर इसका कोई भी जिक्र है नहीं, कोई बात नहीं इसे पेंटिंग खरीद के देखते हैं। वर्टिकल में पेंटिकल बेच रहा है ना मुझे ये, वैसे तो हॉरिजॉन्टल में बेच रहा है वर्टिकल में बेच रहा है, तो ठीक है कोई बात, लैंडस्केप में बेच रहा है हमें। तो ये है भाई नई पेंटिंग, ये काफ़ी मस्त है, बड़ी है और सही बनाई है इसने पेंटिंग यार,
चलो कोई बात नहीं, वैसे इससे हम और पेंटिंग ले सकते हैं। अभी मैं ना थोड़ा और एक्सप्लोर करने वाला हूँ जगह को, तो पहले ना चल के देखा जाएगा यहाँ पर कौन कौन से बंदे हमें मिल सकते। वैसे तो रात को मिलेंगे ये सभी। तो भाई मैं आ गया हूँ, थोड़ा बहुत घूमते फिरते रात हो गई है और मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं नया अपडेट में, तो इसी करके मैंने सोचा कि रात को जाकर उन बंदों से मिला जाए। और यहाँ पर जो हॉन्टेड हाउस है ना, हॉन्टेड हाउस में कोई भी नया अपडेट यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि रात को 12 बजे मुझे यहाँ पर एक विजिटर मिले, और शायद से वैसे मिल सकता है रात को भाई कोई ना कोई नया बंदा यहाँ पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ, रात को 12 बजे का इंतजार करूँगा। तो रात को 12 बज गए हैं भाई, ठीक है मैंने भाई टाइम निकाल लिया और रात को 12 बज गए, तुमने देख लिया। यहाँ पर टाइम हो गया हमारे अंदर जाने का, यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, यहाँ से साउंड सुन सकते हैं। और ये कौन है, यहाँ पे एक नया विजिटर मिल गया हमें भाई। रुको एक मिनट, ये ही है वो चोटी वाला, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, रेड पोकोंग, रेड पोकेमोन रखते हैं हम इसका नाम, पोकेमोन ठीक है, पिकाचू, रेड पिकाचू है ये, ठीक है। तो अभी मुझे मैं इससे बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई इसका यहाँ पर शुरू हो जाए मिशन सारे के सारे। मैं चाहता हूँ कि इसका सेपरेट मिशन लेके आऊँ। तो ये रेड पोकेमोन आ चुका है हमारे बस्को टाउन में, कैसा लगा तुम्हें कमेंट मारकर बताओ मुझे कि इसका काम क्या है। तुम्हें अगर पता है तो बता सकते हो तुम मुझे कमेंट मारकर, जो भी बताएगा मुझे इसका काम क्या है, शाउट आउट उसको, चैप्टर 2 में मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका काम है क्या, हो क्या सकता है। वैसे अगर ये हॉन्टेड हाउस के पीछे है तो इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ चोरी वाला काम कर रखा है यहाँ से। लिसन, हम सिर्फ सो नहीं सकते हैं यार, मैं कब से सोच रहा हूँ कि भाई कब इसके अंदर मेरे को जाने का मौका मिले भाई, पर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अभी वहाँ से हम एंटर करते तो एग्जिट यहाँ पे पता नहीं क्यों आता है, ये ग्लिच है या क्या है दिक्कत, तुम बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं जा रहा हूँ सीधा ही थोड़ा बहुत घूम फिर के, एक काम करते हैं सीधा ही चलते हैं अपने स्टोर पर जहाँ पर हम सामान खरीदते अपनी ड्रिंक्स खरीदते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। तो मैं आ चुका हूँ स्टोर पर, सुपरमार्केट में, और यहाँ पर एक मैडम कुछ आया क्या नया, एक नया ड्रिंक आ चुका है, देख रहे हो तुम, एक नया ड्रिंक है ये रहा बोबा कैंसो। भाई ये कौन सा भाई ड्रिंक है भाई साहब, ये कौन सा ड्रिंक चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, बट एक नई चीज़ आ रखी है हमारे पास मेन्यू में, तो ये चीज़ सही है मेरे को लग रहा है। अगर ये यहाँ पर नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं है, मुझे यहीं से खरीदनी पड़ेगी, बट नेक्स्ट टाइम नए अपडेट में ये हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग में भी आ सकता है। इसका काम क्या है मुझे नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मैं ना देखूंगा चैप्टर 2 कंप्लीट करते हुए कि इसका काम क्या है और इसे कहाँ यूज़ कर सकते। वैसे तो कस्टमर को ही पिलाना है इसे हमें, बट फिर भी यार अगर ये ऑनलाइन दे देते हमें तो ज़्यादा सही था। और ये भाई साहब बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, इनकी काफ़ी अच्छी पेंटिंग है ये। लो सर जी आपकी पेंटिंग अच्छे लग रहे हो, ऐसे पेंटिंग ऐसे फोटो फोटो खिंचाओ तो ज़्यादा अच्छे लगे हुए। और अभी क्या है ना, एक चीज़ होगी, अभी ये देखो इसने अच्छी इतनी पेंटिंग बना के दी है मुझे, तो मैं जो भाई साहब जो बूढ़ा हुआ है ना हमारे, यानी कि जो ओल्ड मैन है पेंटर, उनसे भाई मैं नहीं लेने वाला हूँ सामान। सीधी सी बात है यार, जब जो बंदा अच्छी बना के दे रहा है पेंटिंग, हम उसी से सामान लेने वाले हैं। अब यार ये इतनी अच्छी है पेंटिंग बना रहे, तो मैं उनसे पेंटिंग वाला सामान क्यों लेने वाला हूँ, क्योंकि वो भी 150 में बेचते हैं और ये भी 150 में बेचते हैं, और ये वर्टिकल वाली थोड़ी ठीक लगेगी। तो कोई बात नहीं, हम है ना दोनों ही चीज़ खरीद लेंगे। वैसे दोनों की पेंटिंग अच्छी है, इनका काम छूट चुका है, सही बात बोलो तो भाई इसका काम अब कम हो चुका है, मैं इससे पेंटिंग कम ही खरीदने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी नहीं बनाता पेंटिंग इसी करके। और सभी हमने अपडेट चेक कर लिए, काफ़ी मज़ेदार अपडेट थे, और एक चैप्टर 3 का जो कैरेक्टर है ना वो हमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं किया है। और जिसने भी चैप्टर 2 कंप्लीट कर रखा होगा उसको इंट्रोड्यूस हो जाएगा चैप्टर 3 का नया कैरेक्टर कौन है। वैसे तो चैप्टर 2 का कैरेक्टर नीलिमा है, जो कि यति को पकड़ने में हमारी हेल्प करने वाली है। और अभी मेरे को नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है। और अगर तुम्हें पता चलता है कोई भी बस को या फिर किसी भी गेम का अपडेट जो कि हमारी सीरीज हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, तुम मुझे बताओ तो भाई शाउट आउट जरूर से मिलेगा, जैसे कि मोजो गेमर को मिला। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, रेस्ट मारूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर भी करो। एलियन वाले स्लिप करेंगे, ठीक है, हम एलियन बैटल पर चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।